हिमाचल में चिट्ठी कांड कोई नया नहीं है। पूर्व की सरकारों में भी चिट्ठी वायरल होती रही हैं, चाहे वो जयराम सरकार की बात की जाए या फिर मौजूदा वक्त में सुक्खू सरकार। चिट्ठी और सीडी कांड से कोई भी सरकार अछूती नहीं रही, लेकिन इस बार चिट्ठी कांड में नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने तीनों आरोपियों को चंबा से गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने जिन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें से एक बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, जिसके बाद सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। और इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि ऐसी चिट्ठियां सरकार को बदनाम करने वाली होती हैं। चिट्ठी कांड को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि राजनीतिक मंशा के तहत इस तरह के प्रयास किए जाते हैं और सरकार और अधिकारियों की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। हालांकि नरेश चौहान साफ तौर पर इसे भाजपा से जोड़ने से बचते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने इस पूरे पत्र बम मामले के पीछे राजनीतिक मंशा होने की बात कही है। पत्र वाली बात आपने जिक्र किया, उसको लेके एफआईआर दर्ज कराया था अधिकारी ने बालूगंज पुलिस थाने, और उसमें आगे कार्रवाई करते हुए कल एक लोग अरेस्ट भी हुए हैं और दो लोग को और पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। और स्वाभाविक तौर पे इस तरह की साजिश, आप कह सकते हैं गलत आरोपबाजी, किसी के भी खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ जिनका इसमें जिक्र किया गया था, उस अधिकारी ने जो है इस बात को पुलिस में अपनी जो है कंप्लेन दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई। और मैं समझता हूं कि ये जो प्रयास है स्वाभाविक तौर पे जो है सरकार की इमेज को खराब करने के लिए कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं, ऐसी शरारत करते हैं। तो वैसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरीके से अब ये चिट्ठी जमकर वायरल हो रही है, हालांकि इस पूरे मामले में तीन गिरफ्तारियां हो चुकी है, सीएम सुक्खू भी इस पूरे विषय पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए, लेकिन क्या इस चिट्ठी में कोई भी सच्चाई है? जी, आप मेरे सवाल कर रही हैं? जी बिल्कुल। जी जी, देखिए, एक जिस दिन से हमारी सरकार अस्तित्व में आई है उससे थोड़े समय के बाद ही प्रदेश का राजनीतिक से संबंध रखने वाला एक वर्ग जो है वो बेचैन है, विचलित है, और लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस सरकार को बदनाम किया जाए, सरकार के ऊपर छींटाकशी की जाए। और ये जो बेनाम पत्रों का एक सिलसिला जारी हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार के प्रति कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों के साथ एक कमिटमेंट करके सत्ता में आई है, जीरो टॉलरेंस के साथ, और सरकार उसी आधार के ऊपर काम कर रही है। आपने देखा होगा स्टोन क्रशर्स को लेके, वन माफिया को लेके मुख्यमंत्री ने कितने सख्त और साहसिक कदम इस प्रदेश के अंदर उठाए हैं। तो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से बेनामी पत्र पहले लिखा गया, अब ये जो पत्र लिखा गया इसमें जिस व्यक्ति के नाम से पत्र लिखा गया वो है ही नहीं, कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र जो है, जो लोग मैं समझता हूं कि बेचैन है सत्ता जाने की वजह से, उनमें जो बेचैनी है और आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव ही होने वाले हैं देश के अंदर, उन चीजों को ध्यान में रखते ये सरकार को, सरकार में काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनको बदनाम करने की साजिश के तहत मैं समझता हूं कि इस तरह की हरकतें जो है, इस तरह की कार्यवाही जो है, उनको अमलीजामा पहनाया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो ये बेनामी पत्र हैं, आधारहीन आरोप लगाने वाले जो पत्ते के पीछे कौन लोग हैं इसके पीछे, वो सामने आएंगे, बेनकाब होंगे। और अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, प्रश्न है, कोई ऐसा कोई विषय है, तो इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि आप सामने आके जो है आप पत्रकार वार्ता करिए, सामने आके जो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं आप उनको रिलीज करिए, तो तब तो कोई बात समझ आती है। कभी आप बेनामी पत्र लिख रहे हैं, कभी आप किसी और के नाम से लिख रहे हैं जो जो व्यक्ति है ही नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक निश्चित तौर पर एक सोचे समझे राजनीतिक षड्यंत्र और एक सरकार को और सरकार में काम करने वाले अधिकारियों को बदनाम करने की मंशा से और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की जो मंशा है उसके साथ इस तरह की कार्रवाई प्रदेश में।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अब वायरल चिट्ठी कांड में कई चेहरे बेनकाब होते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है।